देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने साथ जुड़ने वाले मेहमानों का, अपने साथ जुड़ने वाले दर्शकों का, पब्लिक के मंच में जुड़ने वाले तमाम साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो अपने दर्शकों की राय के आधार पर ही चलता है। दर्शक ही तय करते हैं कि वो किस विषय पर बहस देखना चाहते हैं और दर्शक ही अपने घरों से सीधे लाइव जुड़कर बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं, उसे और धार और रफ्तार देते हैं। आज पब्लिक के मंच में हमारे साथ जुड़ेंगी वर्लिका रावत नोएडा से, साची सागर गाजियाबाद से, सुमन देवतिया जयपुर से, अभिलक्षित भटनागर मुंबई से, ये चार लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज आपने किस विषय को बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। ड्रग्स के नशे में बॉलीवुड को कैसे किया बदनाम, ड्रग्स के नशे ने बॉलीवुड को कैसे किया बदनाम, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी पर आज हमारे दर्शक बहस को देखना चाहते हैं। सवाल बहुत बड़ा है। बॉलीवुड के किंग खान यानी बादशाह खान यानी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, जिनकी फिल्मों में एंट्री होने ही वाली थी, भले से एक अभिनेता के तौर पर नहीं, एक निर्देशक और राइटर के तौर पर, वो अब नशे की गिरफ्त में आ गए हैं। इस वक्त वो एनसीबी के द्वारा गिरफ्तार हैं और 7 अक्टूबर तक एनसीबी को उनकी रिमांड मिली हुई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स एक हकीकत है? सवाल ये भी उठता है कि क्या ड्रग्स एक फैशन और ड्रग्स एक कल्चर बन गया है? अगर ऐसा है तो ये बेहद खतरनाक है। सवाल ये भी है कि ड्रग्स इतनी इजीली कैसे अवेलेबल हो जाती हैं कि क्रूज पार्टी में ड्रग्स जाने लगती हैं? सवाल ये भी उठता है कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत के वक्त हमने देखा कि कैसे बॉलीवुड के एक के बाद एक सेलिब्रिटी को ड्रग्स के सिलसिले में बुलाया जाता रहा, कईयों को गिरफ्तार किया गया, कईयों से पूछताछ की गई, मामला अभी भी लंबित है। ऐसे में बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या बॉलीवुड की युवा पीढ़ी भी इस नशे की गिरफ्त में है? इस सवाल पर बहस करेंगे। यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मां बाप के कम अटेंशन देने से बच्चे बिगड़ जाते हैं और क्या बिगड़ने के बाद उनका ड्रग्स लेना जायज हो जाता है? कतई नहीं, इस पर भी बात होगी। लेकिन पहले क्या है आज का अपडेट, यह देख लेते हैं। पार्ट ड्रग और बॉलीवुड कनेक्शन, ये पहली बार नहीं है जब बॉलीवुड ड्रग्स के चक्कर में बदनाम ना हो रहा हो। इस बार बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम सामने आना हैरान करने वाला है। एनसीबी का फिल्म स्टाइल में आर्यन समेत कई आरोपियों को गिरफ्त में लेने के पीछे मकसद यही है कि हर हाल में नशे के कारोबार और उसके पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कसा जाए। पूछताछ में कुछ नई जानकारियां सामने आई हैं। मसलन, इस ड्रग सिंडिकेट से जुड़े जितने भी लोग थे वो दरअसल डार्क वेब के जरिए ड्रग्स के ऑर्डर्स लेते थे और ये सारा लेन देन जो होता था वो क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन में होता था। पूछताछ के दौरान आर्यन ने अपने पापा यानी शाहरुख खान के बिजी शेड्यूल का भी जिक्र एनसीबी से किया। इस बीच बॉलीवुड के कई बड़े नाम आर्यन के बचाव में उतर आए हैं। मशहूर सिंगर मीका सिंह ने ट्वीट कर कहा, वाह क्या खूबसूरत है कॉर्डेलिया क्रूज, काश मैं भी इसमें होता। मैंने सुना है कि इसमें बहुत सारे लोग थे लेकिन मैंने आर्यन खान के अलावा किसी को एक्सेप्ट करते नहीं देखा। इतने बड़े क्रूज में सिर्फ आर्यन ही घूम रहा था क्या? हद है। मामले की जांच में ड्रग पेडलर्स के इंटरनेशनल रैकेट, डार्क वेब से डील और क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल को भी खंगाला जा रहा है। एक तरफ एनसीबी ड्रग्स के मायाजाल को काटने में जुटी है तो वहीं दूसरी ओर वो इस मामले पर कुछ भी कहने से बच रही है। सबको मालूम है कि अगर पकड़े गए तो छूटते नहीं, कार्रवाई होगी, करियर जो है वो दांव पे लग जाता है, इसलिए ये लोग हमेशा ही किसी ना किसी ट्रस्टेड आदमी के पास में जाएंगे। खास बात यह है कि लगातार बॉलीवुड के सितारे और उससे जुड़ी हस्तियों के नाम सालों से नशे में जुड़े रहे हैं, बावजूद इसके ड्रग्स और बॉलीवुड सुर्खियों में एक साथ बने रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी से ड्रग्स की खरीदारी एक तरह से बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। देश की बहस में चर्चा है कि फिल्मी सितारों के फैंस उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं। ऐसे में नशे में डूबे बॉलीवुड के कुछ नाम क्या पूरे बॉलीवुड की साख को गिरा रहे हैं? तो हम इस पर बात करेंगे, हमारे साथ कई सारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप
आपको दिखा देते हैं क्या है देश की बहस में हमारा आज का सवाल। हम एक सवाल पूछते हैं जिसका आपको हाँ या ना में जवाब देना होता है। हमारा आज का सवाल है, क्या बॉलीवुड में ड्रग्स का चलन एक हकीकत है? यस और नो में आप जवाब दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल से वोट कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप करें। सीधे अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ अभिनेत्री नुपुर मेहता जुड़ी हुई हैं, जिनका मानना है कि ड्रग्स किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ थोड़ी ही देर में एक्ट्रेस प्राची अधिकारी जुड़ेंगी। मेरे साथ प्राची अधिकारी जुड़ चुकी हैं, मेरे साथ अंबर जैदी जुड़ी हैं जो खुद फिल्म मेकर हैं और जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट हैं। मेरे साथ मानवी तनेजा जुड़ी हुई हैं जो कि एक एक्टर हैं और बॉलीवुड को इस मामले में सपोर्ट कर रही है, शाहरुख खान के बेटे का सपोर्ट कर रही हैं कि उनके साथ गलत हुआ। प्रियंका राणा मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट जुड़ी हुई हैं, वो भी इस मामले में सपोर्ट कर रही हैं आर्यन खान का। पारुल खेरा मेरे साथ जुड़ी हुई हैं जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी आर्यन खान का सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन सबसे पहले मानवी मैं आपसे जानना चाहूँगा, कैसे सपोर्ट किया जा सकता है ड्रग्स के सेवन का? कैसे और क्यों, किस आधार पर? या फिर आपको लगता है कि ये शाहरुख खान के खिलाफ कोई षड्यंत्र है? ये आपका फोन आना। मानवी मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, सीधे अंबर के पास चलता हूं। अंबर, एक गलत चलन आपके हिसाब से, और आपको क्या लगता है क्या ऐसी हरकत को किसी भी हालत में किसी भी कारण से डिफेंड किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, चाहे वो बेटा शाहरुख खान का हो या किसी आम भारतीय का हो, अगर कोई बच्चा या कोई भी इंसान गलत कृत्य करता है तो उसको क्रिटिसाइज करना बहुत ज़रूरी है और उसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए। शाहरुख खान एक जज के बेटे हैं, उनकी माँ लतीफ़ फातिमा खान एक जज थी और उन्होंने अपने बेटे को वो संस्कार दिए और उसको इस लायक बनाया कि वो एक सुपरस्टार बनकर दुनिया में करोड़ों लोगों का प्यार पाए। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इसका जिम्मेदार शाहरुख खान को मानती हूँ कि जो संस्कार उनको अपनी माता पिता से मिले वो अपने बेटे में उस चीज को ट्रांसफर नहीं कर पाए। अगली पीढ़ी तक हमारे संस्कार, जो हमारी वैल्यूज होती हैं, वो पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। सही और गलत समझाना, बेसिक वैल्यूज दूसरी जनरेशन तक ले जाना बहुत जरूरी है। पैसा हम लोग पा लेते हैं, बहुत सारे लोग पैसा पाते हैं, लेकिन आप अच्छा इंसान और हमें सही गलत की तमीज सिखाना ये बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए मैं पूरी तौर से शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान, जो उनके माता पिता हैं आर्यन के, उनको मानती हूँ। आप बहुत बड़े कलाकार हो सकते हैं लेकिन आप अच्छे पेरेंट बिल्कुल भी नहीं है। और उनका एक आपने देखा होगा सिमी गरेवाल वाला इंटरव्यू वायरल हो रहा है, उसमें वो खुद ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो अपने बेटे को जो चीजें उन्होंने नहीं कही वो चाहते हैं उनका बेटा करे। तो वो खुद वैलिडेट करते आ रहे हैं कि उनके बेटे को ये करना चाहिए। तो आज ये कहना कि आर्यन खान को टारगेट किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आर्यन खान कोई दूध पीते बच्चे नहीं है, 12-13 साल के नहीं है, वो 23-24 साल के हैं और 23-24 साल में अडल्ट होते हैं। 18 साल का बच्चा इस लायक होता है, उसको वोटिंग का अधिकार मिल जाता है। तो ये कह देना कि वो बच्चा है या उसको टारगेट किया जा रहा है, वो वहां पर मौजूद थे तभी उनको टारगेट किया गया ना, उनको पकड़ा गया। ऐसा तो नहीं है कि उनके घर से निकालकर उनको जबरदस्ती टारगेट किया गया। कोई पकड़ा जाता है गलत काम करते हुए, कोई अपराधी होता है, उसके बाद ये कह देना कि उनको किसी धर्म विशेष होने के वजह से उनको टारगेट किया जा रहा है या उनको क्योंकि वो सुपरस्टार के बेटे हैं इसलिए टारगेट किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। वो वहां पर थे, शामिल थे, और जो एनसीबी ने उनकी व्हाट्सएप की चैट हिस्ट्री निकाली उसमें बहुत सारी चीजें मिली हैं। डार्क नेट के जरिए इन सारी चीजों का चीजों को मैनेज होता था और क्रिप्टो करेंसी की जो बात आई है सामने, तो ये सारी चीजें, ऐसा तो नहीं कि हवाई सारी बातें। और आर्यन खान ने खुद एक्सेप्ट किया है कि सेवन कर रहे थे और वहां पर पकड़े गए हैं। आपने माता पिता की बात कही कि उन्होंने वैल्यूज ट्रांसफर नहीं की। मैं इस बहस पर आऊंगा, दूसरे पार्ट में आऊंगा कि माता पिता की क्या जिम्मेदारी बचती है। लेकिन प्रियंका, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कैसे एक बच्चा जो 23-24 साल का है, जिसे बच्चा नहीं कहा जा सकता, 18 साल में उसे सरकार चुनने का अधिकार है, क्या वो ये नहीं चुन सकता कि ड्रग्स गलत है? वो कह रहा है मैं 3-4 साल से सेवन कर रहा हूं, जैसी एनसीबी की खबरें आ रही, और उसको डिफेंड कैसे किया जा सकता है? नहीं दीपक जी, मैं इस बात पे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अभी तक कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ है और जब तक आरोप एक दिन में थोड़ी साबित हो जाता है, प्रियंका के ऊपर इतने बड़े एलिगेशंस नहीं लगा सकते हैं।
अभी एनसीबी नहीं, दीपक जी अगर एनसीबी की अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है, अभी वो ट्रायल पर है, जब तक वो सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता है, एनसीबी की जांच के आधार पर ही कोर्ट ने उनकी कस्टडी को 7 तारीख तक बढ़ाया है। प्रियंका, एनसीबी ने जो कागजात पेश किए हैं, जो सीजर मेमो दिखाए हैं, उसके आधार पर ही उनकी जो कस्टडी है उसको 7 अक्टूबर तक बढ़ाया गया है। दीपक जी कोई पक्ष नहीं, आप बेसिक लॉ को समझिए, जानकारी नहीं है किस तरीके से उनकी कस्टडी को एक्सटेंड किया गया। लेकिन अगर किसी के ऊपर बिना किसी सबूत के आप एलिगेशंस लगाते हैं, उसका बिल्कुल कोई पक्षधर नहीं है। अगर वो शाहरुख खान का बेटा है तो इसका मतलब ये नहीं है, अरे बिना किसी सबूत के आप प्रियंका जी कौन सी बातें करिए, आपको कार्रवाई नहीं पता किस प्रक्रिया के तहत आर्यन खान की कस्टडी को एक्सटेंड किया गया एनसीबी ने? आपको नहीं पता, सबूत मिले हैं तभी तो उसकी कस्टडी को बढ़ाया गया। आपको क्या लग रहा है एनसीबी बिना किसी वजह के आर्यन खान की को कस्टडी में रखती है? मैडम पहले सबूत दिखा दीजिए कहाँ पर है, क्योंकि मैंने सबूत जिस तरह से यहाँ पर टीवी सवाल कीजिए ना, मेरे पास सबूत नहीं है एनसीबी के, आपको नहीं पता ना जांच की प्रक्रिया कैसे चलती है, आपको शायद इस चीज की नॉलेज नहीं है। उनकी कस्टडी बढ़ाई इसीलिए गई क्योंकि सबूत मिले हैं, सबूत के आधार पर ही उनकी कस्टडी एक्सटेंड हुई, वरना उनको कल बेल मिल गई होती, उनकी बेल रिजेक्ट इसीलिए हुई है क्योंकि सबूत मिले हैं। और आर्यन एक एक करके, अंबर एक एक करके, पहले 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 प्रियंका कंप्लीट कर ले। प्रियंका प्रियंका कानून कैसे काम करता है, पहले गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया जाता है, कोर्ट में सबूत दिखाए जाते हैं, उसके आधार पर या तो जमानत मिलती है या फिर आपको कस्टडी मिलती है। एनसीबी को 7 तारीख की कस्टडी दी गई है, यानी प्राइमा फेसिया उनके खिलाफ जो सबूत है, उनकी चैट्स, उनके पास से जो सीजर हुआ है, वो एनसीबी ने अदालत में पेश किए हैं, उसी के आधार पर आर्यन खान की कस्टडी दी गई है। आप ये मत बोलिए कोई सबूत नहीं है, सबूत के बिना कस्टडी नहीं मिलती है। कर लीजिए ना, थोड़ा वेट भी तो करना चाहिए। हम इतने क्यों, इतने उत्साहित क्यों हो जाते हैं कि एकदम से हम एलिगेशन से मान ले, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है, कितने नेताओं के साथ क्रिमिनल की फोटो आती है तो फिर वो क्या हम मान ले कि वो नेता जो आप अपनी न्यायिक प्रक्रिया जो हमारी बहुत सारी चीजें बड़ी बड़ी एजेंसी है, इतने सारे लोग थे, उनका कोई आप नाम नहीं आ रहा है, सिर्फ एक शाहरुख खान का बेटा ही आ रहा है। अरे एनसीबी को रिपोर्ट आने तो दीजिए, उनको पूरी जांच करनी। टोटल 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, टोटल 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रियंका मैं आपको बता दूं, टोटल 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आप उनको ड्रग एडिक्ट है, वो ड्रग्स लिए हैं कि नहीं लिए हैं, उसके पास क्या मिला है? और जहां तक आप शाहरुख खान की बात करते हैं तो जितना बड़ा, अंबर एक मिनट रुक जाइए, प्राची के पास चलते हैं। प्रियंका रुक जाइए, प्रियंका रुक जाइए, एक एक करके बोलते हैं। पहले प्राची के पास चलूंगा, फिर उसके बाद मैं जाऊंगा पारुल के पास, और फिर उसके बाद जाऊंगा नुपुर के पास। प्राची क्या कहेंगी प्रियंका के आर्गुमेंट पर? मैं इनके आर्गुमेंट में कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि मैं इंडस्ट्री की हूं, मैं जानती हूं वो लड़का पिछले 4-5 साल से, जैसा उसने कहा कि मैं 4-5 साल से ड्रग्स ले रहा हूँ, मैं भी उसे 4-5 साल से देख रही हूँ कि वो जॉइंट लेके फ्लॉन्ट करता है, जॉइंट यानी कि चरस लेकर वो सिगरेट ओपनली पत्रकारों को नजर चुराते हुए जाता है, तो पत्रकार उससे पूछते क्यों नहीं है कि भैया ये सिगरेट नहीं है हाथ में, ये पतला पतला क्या ले रखा है, और आंखें चुराता है। अक्षय कुमार ने एक काम बहुत अच्छा करा कि अक्षय कुमार अपने बेटे को तीसरे जो पार्टी हुई थी उससे ले गए, उसके बाद उनका बेटा कभी नहीं दिखाई दिया। गौरी खान खुद यूरोप में ड्रग के साथ, मारिजुआना के साथ गिरफ्तार भी थी, उसके बाद उनको बचा लिया गया, वो मामला रफा दफा कर दिया गया। इस देश का एक नामी घराने का पॉलिटिशियन जो है वो भी मारिजुआना के साथ पकड़ा गया था, कोकीन के साथ, उसको एक देश के प्रधानमंत्री ने बचा लिया था हमारे देश के। तो ये जो है ना, जो कह रहे जैसे आरोप मत लगाइए जो हम सबसे जिसके बारे में हम कुछ प्रूव ना कर सके, प्राची मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। मैं आपको कह रही हूँ वो बेचने गया था वहां पर, मैं आपको कह रही हूँ मैंने जो उसकी ड्रग की कीमत आंकी और अपने दोस्तों से बात करी, वो उसके पास 1.5 लाख रुपए 1,30,000 जो मिला वो अलग है, लेकिन जो उसकी कीमत मैंने आंकी वो 3.5 लाख के करीब, यानी कि 5 लाख का वो आमदनी करने गया था। और आप सोचेंगे बड़े घर का लड़का आमदनी क्यों करनी है, भाई ऐसे ही करते हैं। जब विजय माल्या के लड़के ने आज से 9 साल पहले हम लोगों को पार्टी में बुलाया था, रेप पार्टी, मुझे पता भी नहीं था कि रेप पार्टी क्या होती है, तब मुझे काजल अग्रवाल के मैनेजर ने, जो अब तो मुकर जाएगा लेकिन पकड़ा गया था, भगवान की ऐसी दया हुई वो पकड़ा गया, क्योंकि यहाँ जो जो लोग बकवास करते हैं वो बाद बाद में उनको सारी बातें जो मेरी कही भी होती है वो सच निकलती है। मैं खुद कहती हूँ इस मंच पे, कहती हूँ शाहरुख खान खुद अपना टेस्ट करवा ले, कोकीन लेते हैं वो, गौरी खान खुद लेती है ये, तो आपको कुछ मालूम है नहीं, आप इंडस्ट्री की हो, कभी कभी यूपी और कभी किसी पर ऐसे आरोप मत लगाइए जिन्हें हम साबित ना कर सके, प्लीज प्रियंका मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। मैं कह रही हूँ मुझे गिरफ्तार करेंगे, मैं कह रही हूँ
प्राची अधिकारी प्लीज, प्राची मैं आपसे कह रहा हूँ, महेश बाबू की पत्नी का नाम खुद क्वान की एजेंसी के साथ आया, क्वान क्या करवाती थी मॉडल्स को? नूपुर यहाँ बैठी हुई, अगर नूपुर एग्री होंगी इस बात से कि कुछ एलीट एजेंसीज क्या करवाती हैं लड़कियों को, जो ये क्रिकेटर्स होते हैं, क्यों क्रिकेटर्स ने संन्यास ले लिया, कुछ कुछ क्रिकेटर्स ने, मैं जो आज कह रही हूँ आपको, आप शर्त लगा लीजिएगा आगे चलकर अगर निष्पक्ष जांच होती है, ये क्रिकेटर भी आएंगे लपेटे में, ये जो ये एक्टर्स के साथ साजगांठ होती है ना, कहते हैं क्रिकेट और बॉलीवुड, ऐसे ही नहीं होता चौरसिया जी, ऐसे ही नहीं होता, ये लड़कियों को भेजा जाता है उनसे उनसे सट्टे लगवाने के लिए। और अंबर जैदी यहाँ पर बैठी है, इनको भी पता होगा, जो एक एक बात मैं कह रही हूँ सच है, क्योंकि आप या तो ड्रग सप्लाई करो, आपके दुबई जाती है इतनी हीरोइन, क्यों जाती है दुबई, कौन सा काम है इनको दुबई, आप किस, अभी एक दो हीरोइंस हैं, एक्टर्स हैं, मेरे उत्तराखंड से भी ताल्लुक रखती है, वो जा रही है दुबई, वो एक पिक्चर यहाँ ढंग की नहीं कर पा रही है, वो दुबई जा रही है, दुबई के ऐड कर रही है, दुबई में हमें नहीं पता कि किस प्रकार से ऐड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, जो लड़कों को नहीं पकड़ते, शाहरुख खान वहाँ दुबई में इतना बड़ा उनको मिला हुआ है, सब उन्होंने तो मुंह से ठीक है। प्राची 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 पारुल कुछ कहना चाहती है, एक मिनट प्रिय दर्शनी आप रुकिए, पारुल कुछ कहना चाहती है, पारुल ने अभी तक कुछ नहीं बोला है, पारुल बताइए प्राची के आरोपों पर क्या कहेंगी। प्राची कह रही है कि भाई ये तो चलन है बॉलीवुड में, आप यहाँ पर बैठे रहिए और यहाँ से बाहर तो जाएंगी नहीं। आप कह रही है दुबई जाते हैं लोग, वहाँ पे ड्रग्स करते हैं, इन्हें पता है दुबई में क्या सजा है ड्रग्स की, कितने कड़े कानून है, हमारे यहाँ तो कुछ ऐसे कानून है भी नहीं जहाँ वहाँ पे इतने कड़े कानून है। और ये दूसरी बात बोल रही है, आर्यन खान जो है वो ड्रग सप्लाई कर रहे थे, यानी ट्रैफिकिंग करते थे, वो जिस बाप की औलाद है ना उसको ये तुच्छ काम करने की जरूरत नहीं है, आप है कुछ नहीं पर बोल रही है, इल्जाम लगा रहे, पोजीशन का कौन सी फेक पिक्चर करी है आपने, खुद का है कि मैंने मैंने बड़े पार्टी की मूवी करी है, मुझे पता है कि मेरी हमारी पार्टी में क्या होता है क्या नहीं होता है, अरे रहने दीजिए आप फिल्म का कोई नाता नहीं है, कुछ नहीं है, हाँ यहीं पर बोलने वाली है, आप यहाँ पर बोलते रहिए, ये नुपुर भी जानती होगी, मैं भी जानती हूँ बहुत अच्छी तरह से, आर्यन खान या आर्यन खान का बाप अगर गलत काम करे तो पकड़े जाएंगे, आज नहीं तो कल सब लपेटे में आएंगे। और मैं जानती हूँ कि किस किस सुपरस्टार का भाई जो है एमडीएमए का सप्लायर है, कौन कौन क्या क्या करता है, ये जो है ना ये नई नई बातें मुझे मत बताइए, ये आप ये बातें अपने आप उनके एडवोकेट होंगे, अपने घर में रहिए, एडवोकेटिंग मत करिए उनकी, मुझे पता है पिछले प्राची प्राची सुन लीजिए पारुल को, प्राची प्राची सुन लीजिए पारुल को, उसके बाद काउंटर जरूर करिएगा, मैं वक्त दूंगा, बहुत वक्त है हमारे पास डिबेट का, पारुल बोलिए। दीपक जी जरा इनसे ये पूछिए, जो अभी हाल ही में जो पूरा ट्विटर भरा हुआ है 3,000 किलो का जो हीरोइन जो अभी गुजरात के पोर्ट पे मिला है, आपको क्या लगता है गुजरात की मार्केट सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित है, ड्रग्स की मार्केट सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित है, आज कॉलेज स्कूल में बच्चों में सब जगह गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में बिकता है ड्रग्स, आप जरा पश्चिम सिटी में आ जाइए, वहाँ रिक्शा कर रहे होते हैं, स्कूल के बाहर हर बच्चा की कंपनी, अरे चाची जी आप सुनेंगे, मैंने आपको नॉलेज है नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, दीपक जी पहले अपना होमवर्क कर लो, वारंगल की कंपनी है, कोई एयरपोर्ट में कोई भी कंटेनमेंट आप, प्राची सुन लीजिए उनकी बात प्लीज, प्राची सुन लीजिए उनकी बात, प्राची सुन लीजिए उनके बात, पारुल कंप्लीट करिए, उसको डिफेंड करने के लिए लड़का चरक के आप सुनिए, गाना ले रहा है, कोकिंग ले रहा है, बचाने के लिए बात करते हैं, इनको लगता है इनको कोई काम मिलेगा, अरे ये क्या बोल रही है, सुन रही है, मैं उस पर आरोप नहीं लगा रही हूँ कि पोर्ट पे किस तरीके से आया गया, अगर पकड़ा गया है 3,000 किलो का हीरोइन, यानी इसकी मार्केट बहुत बड़ी है, मैं ये कह रही हूँ प्राची थोड़ा लॉजिकली बात करिए आप मुझसे, मैं हवा में आपकी तरह तीर नहीं छोड़ रही हूँ कि वो गई और वेकेशन करने गई, मैं तीर ना भी नहीं तीर हूँ, जो हवा में तीर छोड़ने की जरूरत नहीं है, हवा में तीर तो आप लोग बैठ के कहीं दिल्ली से बाहर निकलते हो, हवा में तीर आप लोग छोड़ते हो, शाहरुख जैसे आपका चाचा हो, शाहरुख आपका चाचा हो, आप कैसे बात करते हो शाहरुख को डिफेंड करने के लिए, हर जगह चाहे कोलकाता हो चाहे कहाँ भी पोर्ट हो, हर जगह बकवास करते हो, हर जगह ड्रग्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ गुजरात के बाद तो इसका मतलब आर्यन को क्लीन चिट दे रहे हैं, पारुल मुझे नूपुर के पास जाना है, फिर मानवी के पास, नूपुर बताइए जब आप किसी सेलिब्रिटी के बेटे हैं, जब किसी रोल मॉडल के बेटे हैं, तो क्या आपकी जिम्मेदारी ज्यादा नहीं बढ़ जाती? दीपक जी बिल्कुल, मैंने सबकी बहस सुनी और सबकी दलीलें सुनी, जिम्मेवारी
किसी के बेटे होने से ज्यादा नहीं बढ़ती। आप इस देश के नागरिक हैं और एज अ सिविलाइज पर्सन किसी भी गैर कानूनी काम में आपको योगदान नहीं देना चाहिए। अब जहां तक आर्यन खान की बात है, मेरे लिए उसके फादर कौन है, वो किस फैमिली से है, मेरे लिए सब बातें मायने नहीं रखती हैं। मेरे लिए वो एक लड़का है जिसको एनसीबी ने पकड़ा है और पुख्ता सबूत के साथ पकड़ा गया है। उनके पास से ड्रग्स निकली हैं और उनके ऊपर अभी केस चल रहा है, वो रिमांड में है। मेरे लिए सिर्फ वो एक लड़के हैं जैसे बहुत और नागरिक हैं इस देश के। एनसीबी अपना काम करी है, बहुत ही शानदार काम किया है एनसीबी ने, मैं उनको बधाई देना चाहूंगी। पर इससे भी खुशी की बात तब होगी जब सबूत मिलेंगे और उनको आरोपी घोषित किया जाएगा और उस पर सजा सुनाई जाएगी। आज तक जितने भी सेलिब्रिटीज हमने देखे हैं जिनको एनसीबी के लिए के पास बुलाया है क्वेश्चनिंग के लिए, पिछले साल की बात है सुशांत के केस के दौरान दीपिका का नाम आया था, श्रद्धा का और ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज का नाम आया था, सबको बस जांच पड़ताल करके पूछताछ करके फिर एडवोकेट्स आ जाते हैं, वकील आ जाते हैं, दलीलें दी जाती हैं, उसके बाद कुछ रिजल्ट नहीं निकलता। अब मुझे लगता है दीपक जी समय आ गया है कि एक रिजल्ट होना चाहिए, किसी के ऊपर सबूत साबित होने चाहिए, आरोप साबित होने चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि दीपक जी आप अगर देखिए और कंट्रीज जैसे हांगकांग हो गया, सिंगापुर हो गया, एमिरेट्स हो गया, वहां पे लोगों की रूह कांपती है ड्रग्स के बारे में बात भी करने से। क्यों? क्योंकि वहां पे सजाएं बहुत कड़ी है, किसी को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा है, किसी को डेथ सेंटेंस की सजा है, किसी को लाइफ टाइम डिटेन किया जाता है। तो वहां पे लोग डरते हैं क्योंकि सजा उनको मिलती है, यहाँ पे सजा स्ट्रांग नहीं है। लोग पकड़े जाते हैं, एनसीबी तो अपना काम करती है, पुख्ता सबूत नहीं मिलते तो लोग बच जाते हैं। फिर उनकी सिफारिश में सब लोग सारे सेलिब्रिटीज आके बोलते हैं। ये जो पैनल पे सब लोग बॉलीवुड को बुरा बोलते हैं क्योंकि एक आदमी पकड़ा जाता है, मैं सबको बता दूं कि बॉलीवुड में अगर कुछ चुनिंदा लोग गलत हैं तो पूरे बॉलीवुड को आप गंदा या गटर या गलत नहीं बोल सकते। आप सब जानते हैं कि बॉलीवुड में 5 से 7 करोड़ लोग काम करते हैं जिसमें बहुत गरीब खानदान के लोग होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, स्पॉट बॉयज होते हैं, पूरा कैमरा क्रू, पूरा प्रोडक्शन, बहुत लोगों को सिर्फ दिखता है कि बॉलीवुड मतलब हीरो और हीरोइन मतलब स्टार लोग, ऐसे नहीं होता है। आप पूरे बॉलीवुड को गलत नहीं बोल सकते। हाँ, ठीक है, एनसीबी अपना लेकिन कहावत ये भी है नुपुर की, एक ही मछली सारे तालाब को गंदा करती है। कहावत ये भी है नुपुर, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एक ही मछली सारे तालाब को गंदा करती है। मेरी एक दर्शक जुड़ गई है, वरालिका रावत नोएडा से। वरालिका, क्या कहेंगी आर्यन खान के इस केस के बारे में? सर, ऑब्वियसली हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग ड्रग्स ना लें, क्योंकि आजकल की जो पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब ड्रग्स एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कुछ टाइम के लिए हम लोगों को हैप्पीनेस देती है और हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है हमें उससे दूर रखती है, बट धीरे धीरे हमें उसकी आदत लग जाती है और हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये चीज़ कितनी गलत है, इससे हमारे मानसिक रूप को कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इवन सिर्फ मेंटली नहीं बट हमारी बॉडी में भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं इसकी वजह से, हमारे काफ़ी ऑर्गन्स खराब हो सकते हैं इसकी वजह से, तो हमें इसका कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात बोली वरालिका और बहुत सफाई से आप अपनी बात कही। आपने बिल्कुल सही कहा कि यंग लोगों को इसके ट्रैप में नहीं पड़ना चाहिए। सीधे मानवी आपके पास आऊँगा क्योंकि सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही लेना चाहता था लेकिन आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आर्यन खान को विक्टिम बनाया जा रहा है? ऐसा कई लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। देखिए दीपक जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सारा बॉलीवुड तो नहीं ख़राब है। जहाँ तक नुपुर ने काफ़ी कुछ बोल दिया उससे मैं काफ़ी बात से सहमत हूँ। आर्यन खान ड्रग्स में पकड़ा तो गया है लेकिन अभी एनसीबी की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। मतलब एनसीबी की हमें पहले ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है उसकी वेट करनी है और फिर ही हम कोई कंक्लूजन में आएंगे। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मीडिया और सारे जो लोग हैं वो पहले वर्डिक्ट पे कैसे आ गए हैं, वो पहले ऐसे कैसे अज्यूम कर लिया है कि आर्यन ही है क्योंकि वो एक बॉलीवुड स्टार का बेटा है। इसी वजह से सिर्फ आर्यन को सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है। वहां पे और भी बहुत सारे लोग थे, 600 बंदे थे उस क्रूज में लेकिन किसी का भी नाम नहीं आ रहा। आर्यन के साथ दो और बंदे पकड़े गए हैं उनका भी नाम नहीं है लेकिन सिर्फ लोगों के पास ड्रग्स मिली जो उसमें शामिल थे एनसीबी के मुताबिक उनको पकड़ा गया।
मैं वही कहना चाह रही हूँ, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। शाहरुख का जो बेटा है उसका ब्लड टेस्ट का सैंपल ले लिया गया है, एनसीबी जांच पड़ताल कर रही है, और वानखेड़े ने भी बोला है कि अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ बताऊंगा। तो जब तक एनसीबी की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती, हम एक वर्डिक्ट कैसे सुना सकते हैं? इस वक्त पूरे के पूरे इंडिया में सारी मीडिया ने तो वर्डिक्ट सुना दिया, लिटरली कह दिया कि वो ही कल्प्रेट है, और जितना पकड़ा गया है वहां पे चरस गांजा वगैरह जो आरोपी है, कल्प्रेट नहीं था, आरोपी है। मतलब वहां पे जो 600 बंदे थे, 600 बंदे थे, आरोपी है। तो एक बार एनसीबी का स्टेटमेंट आने दीजिए। मैं और ही एक साल पहले पुरानी बात पे, मैं सीधे 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 अंबर के पास चलता हूँ। अंबर, थोड़ा सा मानवी को भी बताने की जरूरत है कि कोर्ट और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कैसे काम करती है। जी जी बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है ऐसे इमोशनल होके हवाई बातों के आधार पर बहस करना बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है यहाँ पे जो पैनल पे लोग बैठे हुए जिनको नहीं पता है कि हमारी जो न्यायिक एजेंसियां होती है प्रक्रिया किस तरीका होती है, जो प्राइमा फेसी के आधार पर अब तक एनसीबी और कोर्ट के सामने, एनसीबी ने कोर्ट के सामने सबूत पेश किए हैं, उसी के आधार पर उनकी कस्टडी एक्सटेंड हुई है। और यहाँ पर बात आर्यन खान के बारे में इसलिए हो रही है क्योंकि वो शाहरुख खान के बेटे हैं, और शाहरुख खान एक बहुत बड़े आइकॉन है, इंटरनेशनल आइकॉन है, तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। किसी के बेटे होने से हमारी लेगेसी हमसे मिलती है और अपनी लेगेसी हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि शाहरुख खान के बेटे को इसलिए टारगेट किया जाए तो वो बेचारे हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं। वो वहां पर मौजूद थे, सबूत है। देखिए बिल्कुल, मैं किसी के बीच में नहीं बोली, तो खामोशी से मेरी बात सुन लीजिए। आप लोग जो गलत करते हैं, आप टेक्नीशियन प्रोडक्शन की बात नहीं आती है, बात बिल्कुल भी प्रोडक्शन क्रू और टेक्नीशियन की नहीं हो रही है। वो लोग जो जो देश से और दुनिया से प्यार पाते हैं और बहुत पैसा मिलता है, लेकिन वो संस्कार आगे बढ़ाए। सुन लीजिए अंबर की बात, मैं आपको पूरा मौका दूंगा बोलने का। जिम्मेदारी बढ़ जाती है अगर आप एक पब्लिक फिगर है, तो उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है कि आप लोगों को किस तरह का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। आप सही और गलत अपने लोगों में, अपने बच्चों में नहीं पहुंचा पाते, तो आप एज पेरेंट एज पब्लिक फिगर आप एक फेलियर है। आप अरे बात चुप हो जाइए ना, आप बहुत लगातार बोल रही है, अगर आपको सुनना नहीं है, आपको मुझे लगता है अंधाधुंध बेतुकी बातें कर रही है, तो उससे डिबेट नहीं होती है। डिबेट फैक्ट्स के आधार पे करती है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा माननीय, एक मिनट शांत हो जाइए, अंबर की बात तो सुन लीजिए। माननीय माननीय सुनिए, अंबर की बात सुनिए, मैं आपको तुरंत मौका दूंगा। मैं आपका ऑडियो नहीं डाउन करना चाहता, तुरंत मौका दूंगा। अंबर कंक्लूड करिए। देखिए दीपक जी, सबसे पहली बात है, यहाँ पर जो लोग आर्यन खान के समर्थन में उतर रहे हैं, तो उनको यही बात नहीं पता, उनको सिर्फ और सिर्फ आर्यन खान का समर्थन करना है क्योंकि वो शाहरुख खान सुपरस्टार के बेटे हैं, और उनको समझ में ये बिल्कुल नहीं आता है कि हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया कैसे काम करती है। एनसीबी ने कुछ सबूत पेश किए हैं जुडिशियल सिस्टम के सामने, तभी उनकी न्यायिक प्रक्रिया जो उनकी कस्टडी है वो एक्सटेंड हुई है। जो दो दिन की कस्टडी है उसको 7 तारीख तक इसलिए किया गया क्योंकि उनके पास जो आर्यन खान है उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, उसी के आधार पर कस्टडी। ऐसा नहीं है क्योंकि क्योंकि मीडिया ट्रायल हो रहा है, कस्टडी बढ़ाई गई है, किस तरीके की बातें करते हैं कि मीडिया ने उनको घोषित कर दिया अपराधी घोषित। मीडिया के कहने से न्याय प्रक्रिया नहीं चलती है क्योंकि सबूत है, इसके आधार पर प्रक्रिया होती है। आपको इतनी समझ आपको बोलने का मौका दूंगा, लेकिन आप बीच में बोलेंगी तो कैसे काम चलेगा? रुकिए माननी, रुकिए ना, दोनों अगर आप बोलेंगी एक के ऊपर एक तो किसी की आवाज नहीं पहुंचेगी। मैं सीधे पारुल खेड़ा के पास चलता हूं। पारुल, अंबर कह रही है कि जो कुछ हो रहा है कानूनी प्रक्रियाओं के हिसाब से हो रहा है, गलत क्या हो रहा है? और आर्यन खान को इसलिए पकड़ा गया क्योंकि ये मौका वारदात जहां एक क्राइम कमिट हो रहा था, और सबको पता है एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तारी होती ही होती है, भले से आपके पास 1 ग्राम मिले। आप मुझे बताइए, आर्यन खान अगर वहां नहीं होते तो कौन उन पर आरोप लगाता? वो थे उस रेव पार्टी में, तभी उन पर आरोप लग रहे हैं। दीपक जी, आर्यन खान घर से थोड़ी ना उठा के लाई एनसीबी उनको, सबको पता है, बट उनके पास से कुछ भी नहीं मिला है, उनके पास से ड्रग्स नहीं मिले, जो उनके कैमरे के लेंस से ड्रग्स मिले एनसीबी ने कहा है कोर्ट में, उनके पास से ऐसा कुछ नहीं मिला।
उनके कैमरे के लेंस में ड्रग्स मिले हैं, एनसीबी ने कोर्ट में कहा है। उनको जो है आपके सिर्फ व्हाट्सएप चैट के बेसिस में लिया गया है और कस्टडी में लेने का मतलब ये नहीं है कि आपके अगेंस्ट सारे प्रूफ है। कस्टडी में लिया इसलिए भी जाता है कि एविडेंस डैमेज ना हो, भाग ना जाए, आपको पूरी सहयोगी चाहिए। केस में सिर्फ इसलिए लिया गया है प्राची, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अंबर आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहले एक को कंप्लीट कर लेने दीजिए ना। मानवी, सब चिल्लाने लगेंगे, किसी की आवाज नहीं पहुंचेगी, कोई लॉजिक नहीं है डिस्कशन का। पारुल कंप्लीट करिए। दीपक जी, अब मेरे को लगता है कि मैं किसी के भी बीच में नहीं बोल रही और मेरे बीच में भी कोई ना बोले। मैं ये बोल रही थी कि जब जब कोई कार्रवाई होती है उसके पीछे कस्टडी में लेने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप एक्यूज्ड है, उसके पीछे बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। कस्टडी में लिया जाता है पारुल जी, है कि कहां से बिना आरोप के किसी को कस्टडी में नहीं लिया जाता। बिना आरोप के, बिना एक्यूज हुए कस्टडी में नहीं लिया जा सकता, ये भारत का लीगल सिस्टम कहता है। दीपक जी, शक होना अलग बात है, अगर वो वहाँ मिले हैं तो उन्हें शक नहीं, लेकर बात हो रही है। सबूत के आधार पर कस्टडी मिलती है पारुल खेड़ा जी, शक के आधार पर नहीं। कि उन, उन, कि शक के आधार पर पूछताछ होती है। नहीं नहीं, सबूत क्या, सबूतों के आधार पर कस्टडी मिलती है। उनके पास तो नहीं मिला, सिर्फ सबूत ये है कि चार्ज है और आप उन पर ट्रैफिकिंग का आरोप लगा रहे हैं। ट्रैफिकिंग का मतलब समझते हैं आप कि वो तस्करी करते हैं ड्रग्स की? आपको लगता है एनसीबी ने उन्होंने ट्रैफिकिंग का कोई आरोप नहीं लगाया? उन्होंने का बच्चा वो ट्रैफिकिंग करेगा वो, ठीक है प्राची, आप क्या कहेंगे? आपने ये गंभीर आरोप लगाया लेकिन एनसीबी ने आर्यन पर कोई आरोप नहीं लगाया कि वो ट्रैफिकिंग करते हैं। पारुल, प्राची जवाब देंगी? प्राची बोलिए। मैं जवाब दूंगी, वो तो एडवोकेट पहले ही चालू हो जाएंगी। खैर, मैं बोलती हूँ अपनी बात। जो सूत्र, जो कहा गया है, जो एनसीबी ने जिस आधार पर रिमांड लिया, अंबर विजयदी, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे टोकिएगा प्लीज, क्योंकि आप सारी बातें आपको पता है। कहा जाता है कि 22 स्टेटमेंट दिए क्या, क्योंकि फिर स्टेटमेंट अभी तक पड़ी नहीं है जहाँ पर उन्होंने बोला कि ट्रैफिकिंग कर रहे हैं। फिर बोल रही आपने, आपने ऑफिशियल, अरे भैया तुम्हारे लिए थोड़ी ना आई हूं मैं, आई वांट टू टॉक टू दीपक चौरसिया जी, यही आप कर रही थी, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, क्योंकि आप ही बोलने नहीं दे रही, आप गलत बात कर रहे हैं। 50 ग्राम कोकीन मिली है अरुण खेड़ा जी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जो जो एनसीबी की ट्रायल कोर्ट में कहा वो एनसीबी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। ट्रायल कोर्ट में कहा गया है कि हमको चैट के सबूत मिले हैं, उनके लेंस से ड्रग्स बरामद हुई है, वो हैबिचुअल ड्रग्स लेने वाले हैं। ये एनसीबी ने कोर्ट के अंदर कहा है, ये एनसीबी का कथन माना जाएगा। समझिए इस बात को पारुल, पारुल समझिए इस बात को। कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है उसको दोषी नहीं कह सकते। देखिए, लेकिन आरोपी तो कह सकते हैं ना, कोई दोषी नहीं कह रहा है, आरोपी तो कह सकते हैं ना। मानवी, प्रिया, प्राची खत्म करेंगे अपनी बात, फिर मैं मानवी आपके पास आऊंगा। प्राची खत्म करिए। और कुछ ऐसी गोलियां मिली है जिससे सेक्स पावर बढ़ती है। अब आप बताइए, 23 साल का आर्यन मानवी लगातार नहीं, प्लीज मानवी लगातार नहीं, मानवी मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा। प्राची कंप्लीट करिए अपनी बात। अगर इस तरह की चीजें, अगर इस तरह की चीजें ये लोग कर रहे हैं तो जब कुछ मिला है उसी के आधार पे तो ये दुनिया की किसी को भी उठा दिया जाएगा और किसी को भी डाल दिया जाएगा। मैं खुद एक एडवोकेट की बेटी हूँ, बिना प्रूफ के, बिना चीज के कोई रिमांड में किसी इन्वेस्टिगेशन में नहीं ले सकता। हाँ, अगर नार्कोटिक्स और टेररिज्म की कोई एक्टिविटी होती है तो उसका अगर लिंक सामने आ गया है तो भी पूछताछ हो सकती है, लेकिन यहाँ पर तो खुद वकील कह रहे हैं या खुद आर्यन कह रहे हैं, मैं पिछले 4 साल से कंज्यूम करता हूँ और उसके पास से ये जो मिला है, कोकीन मिला है, एमडीएमए मिली है, चरस मिली है, पाउडर फॉर्म मिला है, और क्या चाहिए आपको? 1,30,000 रुपए मिले हैं और ये 5 लाख की कीमत की ये मिली है, और वकील ये भी कह रहा है कि मेरे क्लाइंट के पास इतना पैसा है कि पूरा जांच खरीद सकता है। अब आप सोचिए, जिनके पास बोर्डिंग पास नहीं, वो कह रहे हमारे पास बोर्डिंग पास नहीं है, तो फिर एक कानूनन जुर्म है। आप अगर बोर्डिंग पास नहीं लेके गए हैं, इतनी बड़ी प्रक्रिया होती है, आप बिना बोर्डिंग पास के घुस कैसे गए, तो इसका मतलब उस शिप का लाइसेंस भी कैंसिल होना चाहिए और उसके लोगों को भी वहां जेल होनी चाहिए। और ये लड़का इतनी बड़ी मात्रा में, ये कोई
कंजम्पशन के अलावा ये पैडलिंग का भी हो जाता है कि आप वो जो गोलियां हैं 22 गोलियां अकेले खाके वो आर्यन क्या करेगा, आप मुझे बताइए, अकेले एक लड़का 22 गोलियां कंज्यूम कर सकता है? ये तो इम्पॉसिबल बात है। ये पूरा ग्रुप पकड़ा गया है, जिस ग्रुप 8 लोगों का ग्रुप है, जिसके पास से पूरा सामान मिला है, अकेले आर्यन के पास से नहीं। मैं साफ कर दूं, सांची सागर गाजियाबाद से मेरी एक दर्शक जुड़ गई है, सांची क्या कहेंगी इस पूरे मामले पर? देखिए, आर्यन खान ने खुद ही कबूल किया है कि वो ड्रग्स ले रहे हैं 3-4 साल से, लेकिन तब भी उनको इनोसेंट प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर इनकी जगह पे कोई आम आदमी होता तो शायद अब तक उनको सजा मिल चुकी होती। तो अब ये देखना है कि इनको सजा मिलने में जो पूरी कार्रवाई है ये होने में कितना टाइम लगता है, और ये आरोपी ये दोषी साबित होते भी हैं या नहीं होते हैं। और सेकेंडली, अभी सितंबर में अदानी के पोर्ट से 3,000 kg के ड्रग्स बरामद हुए, उस चीज के ऊपर तो मीडिया ने कुछ भी नहीं कहा, एनसीबी की कोई रिपोर्ट नहीं आई उस चीज के ऊपर। वो लोकल, वो एनसीबी का केस नहीं था, वो लोकल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने पकड़ा है, उसकी भी आगे की जांच चल रही है। मैं आपको ये बता दूं, जो कानूनी प्रक्रिया कहती है, ये मामला बड़ा इसलिए है क्योंकि इसमें देश के एक सबसे बड़े बॉलीवुड आइकॉन का बेटा सीधे सीधे फंसा हुआ है, इसलिए मीडिया को ये मामला ज़्यादा इंटरेस्ट करता है। और ये गलत है कि मीडिया ने अडानी पोर्ट की खबर दिखाई नहीं, सबने दिखाई, हमने भी दिखाई, लेकिन उस पर कोई बहस नहीं बनती क्योंकि एक अपराधी लेकर आ रहा था, अपराधी को पकड़ लिया गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, ये बात बिल्कुल सीधी। और पकड़ा किसने? हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने, और किसी ने नहीं पकड़ा। मैं सीधे यहां से मानवी के पास चलता हूं। मानवी, मुझे बताइए और इस बात का जवाब दीजिए कि जो भी कुछ हुआ है वो कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ है, जो भी कुछ उनको रिमांड भी मिली अगर तो कोर्ट में एनसीबी ने इस बात को बताया है कि हाँ उन्होंने माना है वो ड्रग्स ले रहे थे, हाँ वो मानते हैं कि ड्रग पेडलर से उनके संपर्क थे, हाँ उनके पास ऐसी चैट्स पाई गई है जो डार्क नेट से ड्रग्स की खरीदारी से जुड़ी हुई है, इतने सबूत के बावजूद ही तो रिमांड मिली है, कैसे डिफेंड कर सकती है आप उनको? नहीं नहीं, आर्यन ने बिल्कुल भी नहीं माना है, आर्यन ने बिल्कुल भी नहीं माना है कि उसे ड्रग्स लिया है और उसके पास कोई ड्रग्स है। ये बहुत बड़ा स्कैम भी हो सकता है उसने लिया हो, लेकिन अभी ब्लड टेस्ट हो रखा है उसका, उसकी वेट करिए, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट जब आएगी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक साल पुरानी बात मैं बताती हूँ, सुशांत के इस मामले में जब ड्रग्स एंगल निकला था और कितने सारे लोगों को, ए लिस्ट एक्टर्स को एनसीबी ने बुलाया था, और एनसीबी ने जब बुलाया था इंटेरोगेट किया था, तो उस वक्त भी जो चैट थी व्हाट्सएप चैट बहुत सारे ए लिस्ट एक्टर्स की निकली थी, और हमने क्या किया था, वर्डिक्ट सुना दिया था, हम लोगों ने अज्यूम कर लिया था कि हाँ यही लोग हैं चर्सी नशेड़ी गंजेड़ी, और क्या हुआ, एनसीबी ने उन्हें क्लीन चिट दी और अंदर जेल में कौन गया, रिया और उसका भाई। तो आप इतनी जल्दी एनसीबी को किसी को क्लीन चिट नहीं दिए, वो केस चल रहा है अभी, प्राची सुशांत का मामला भी मानसी, आप एक मिनट दीपक जी, मेरी बात सुनिए, मानसी केस चल रहा है अभी, मीडिया ने वर्डिक्ट सुना दी कि वो तो सुसाइड है, मर्डर नहीं है। नहीं नहीं, मीडिया ने सुना दिया है, बहुत सारी मीडिया ने बोल दिया है कि ये तो सुसाइड है, ये मर्डर नहीं है। तो मैं वही तो कह रही हूँ कि आप परसेप्शन क्यों बाल ले लेते हैं, क्यों आप एक चीज को खुलासा कर देते हैं, ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट की वेट क्यों नहीं करते, ऑफिशियल्स को बोलने दीजिए ना, कुछ बहस नहीं हो रही है, जो फैक्ट्स हैं उसकी बात हो रही है ना, आप कौन सी बातें कर रही है मानवी? फैक्ट्स है तो आप समीर वानखेड़े की स्टेटमेंट की वेट कर लीजिए, उन्होंने कहा है कि बहुत लोगों का रिएक्शन क्या है, सारी डिटेल बाहर करेंगे, आप सूत्रों के हवाले से सुन कर लोगों का रिएक्शन गली जो भी बहस हो रही है वो इस आधार पे हो रही है कि एनसीबी ने उसकी रिमांड लेते हुए कोर्ट में क्या कहा है, वो भी एक कानूनी प्रक्रिया है जिसको मानवी आपको समझना होगा। नुपुर के पास चलता हूँ, नुपुर क्या लोग आर्यन खान को इसलिए डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि वो शाहरुख खान का बेटा है? क्या कोई आम आदमी का बेटा होता है या किसी बिजनेसमैन का बेटा होता तो शायद ये खबर सिंगल कॉलम में छपके कहीं चली जाती, दीपक जी जाहिर सी बात है क्योंकि वो इतने बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी का बेटा है तो लोग डिफेंड करेंगे, खास करके जो बॉलीवुड के खुद के सेलिब्रिटीज हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से हैं वो भी उसके बचाव में उसका पक्ष रखेंगे, पर मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे उसको इस कारण बचाव देना चाहिए। एनसीबी के सबूतों का हमको वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, 7 तारीख को हो सकता है कुछ और खबर सुनने में आई, और मुझे लगता है कि उसको सिर्फ एक नॉर्मल अपराधी की तरह देखना चाहिए या एक ऐसे आदमी की तरह जो कि एक रेव पार्टी में पकड़े गए हैं, और एनसीबी को
आज की डेट में चर्चा में आने की जरूरत नहीं है शाहरुख खान के बेटे को पकड़ के। एनसीबी बहुत ही उच्च दर्जे की जांच एजेंसी है, सब जानते हैं और मुझे पूरा भरोसा है एनसीबी अपना काम कर रही है। हमको सिर्फ थोड़ा वक्त चाहिए इंतजार करने के लिए कि अब सोर्सेज नए डिटेल्स हमको क्या बताते हैं। और बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि अब इस देश में लोगों को पक्ष या भाव इसलिए देना चाहिए क्योंकि वो बड़े खानदान से हैं या सेलिब्रिटी के बेटे हैं। सबके लिए कानून सामान्य होना चाहिए, एक आम आदमी के लिए भी और एक किसी बड़े खानदान के बच्चे के लिए भी। और अगर आरोप घोषित होता है तो सजा जरूर मिलनी चाहिए, बिकॉज दैट विल बी एन एग्जाम्पलरी प्लेटफॉर्म, एक मैसेज देगा, एक संकेत देगा बाकी बहुत सारे परिवारों को कि हमको ड्रग्स नहीं करना है क्योंकि इंडिया में गैर कानूनी है अंडर NTPS Act of 1985, ये गैर कानूनी मान दिया गया है। पर हैरानी की बात ये भी है दीपक जी, पिछले साल जब सुशांत का केस हुआ था तो करण जौहर का एक वीडियो आया था जिसमें बहुत सारे लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बहुत सारे लोग ड्रग्स करते हुए पाए गए थे, पर उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ वीडियो के आधार पे जहां पे दिख रहा है, तो उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया। क्या अंदर चलता है बातचीत में, रिमांड में क्या बातचीत ऐसी होती है कि उस केस को खत्म कर दिया जाता है? हमने आज तक कोई रिजल्ट नहीं देखा। मैं जानती हूँ एक आदमी अंदर बैठा है, अरमान कोहली, उसका भी यही इशू है, पर वो अंदर बैठा है पिछले 1.5 महीने से। पर उसके बाद जितने भी लोग आए गए, सिर्फ बातचीत चली, मुद्दा बना, मीडिया ने सेंसेशनलाइज किया, पर उसके बाद किसी रिजल्ट तक नहीं पहुंचे। पर अब हम देखना चाहेंगे आने वाले कल में, चाहे कोई भी पकड़ा जाता है, कोई ड्रग पेडलर पकड़ा जाता है या सेलिब्रिटी या कोई भी नॉर्मल आदमी, के आखिरकार रिजल्ट क्या होता है। और इससे भी गहरा मुद्दा ये है कि जो ये ड्रग सप्लाई करते हैं, जो ये बॉर्डर पार से आते हैं, इन पे भी एनसीबी को शिकंजे कसने चाहिए। नहीं, शिकंजा कसा है शायद इसी के, इसी, इसी के चलते गुजरात के पोर्ट से इतनी सारी ड्रग्स की खेप बरामद हुई है, शायद शिकंजा कसा है इसीलिए बरामद हुई है, वो भी टिप ऑफ के आधार पर बरामद हुई है। सीधे मैं चलता हूँ प्रियंका के पास। प्रियंका मुझे बताइए, क्या शाहरुख खान के बेटे होने के चलते आर्यन खान की जिम्मेदारी और नहीं बढ़ जाती कि वो ऐसी किसी चीज में इन्वॉल्व ना हो, ऐसी चीज किसी चीज में दिखाई ना दे, किसी रेव पार्टी में ना हो? क्योंकि एनसीबी ने तो टिप के आधार पर उनको पकड़ा, उनको थोड़ी पता था वहां पे आर्यन खान मिलेगा या मर्चेंट मिलेगा। बिल्कुल दीपक जी, देखिए हर किसी, मैं कहती हूँ देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की कोई भी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। और स्पेशली जो सेलिब्रिटी होते हैं उनको तो लोग फॉलो करते हैं, पूरे देश जो है, बच्चे जो है, आज यूथ जो है, जो उनको फॉलो करता है, और जो वो करेंगे वही एक्टिविटी आगे भी बढ़ावा मिलता है उसको, तो उसको तो मैं बिल्कुल कंडम करती हूँ। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि अगर एक सेलिब्रिटी का बच्चा है तो उसको इतना ज़्यादा टारगेट किए कि अभी आरोप है और आरोप साबित नहीं हुए हैं और हमने ये वर्डिक्ट निकाल दिया कि वो साबित, किसी ने वर्डिक्ट नहीं निकाला, हम तो आरोप के आधार पर डिस्कशन कर रहे हैं कि माँ बाप की परवरिश, दीपक जी यहाँ पर माँ बाप की परवरिश पर भी आरोप लगा दिए। मुझे समझ में नहीं, आपको समझ में आता है कि जिसका बच्चा इतने बड़े चीज के अंदर इन्वॉल्व हो उनकी मानसिक दशा कैसी होगी, उनके ऊपर दिल पे क्या बीत रही होगी? मुझे लगता है कि शायद जिसकी औलाद नहीं होती वो ऐसी बातें कर सकता है, लेकिन मेरे बच्चे हैं, अगर मेरा बच्चा कहीं इस तरह से इन्वॉल्व होता है तो मुझे पता है कि क्या चीज माँ बाप के ऊपर गुजरती है और वो किस तौर से उसको फेस करना पड़ता है। तो ये चीज बड़ी सोच समझ के और जिम्मेदारी के साथ ऐसे स्टेटमेंट देने चाहिए, नहीं तो शर्म आनी चाहिए ऐसी लोगों को कि जो अपने माँ बाप को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। आप ये बताइए, संजय दत्त जब इसमें इन्वॉल्व थे तो क्या हम सुनील दत्त को उसके लिए क्रिटिसाइज करेंगे? क्योंकि सब जानते हैं वो कितने शरीफ और किस तरह के इंसान थे। पहले तो आप कमीशनर जुबान संभाल के बात कीजिए, वो दूसरे के माँ बाप पे जा रहे हैं, मेरे माँ बाप ने क्या किया, उन्होंने क्या परवरिश दी है, वो कोई माँ बाप के सामने गए और अगर किसी का बच्चा गलत कृत्य में पाया जाता है तो उसके माँ बाप को जिम्मेदार ठहराया जाता है। बारी बारी से अंबर एक मिनट जाइए, मैं अपना जवाब के लिए आ रहा हूँ। अगर यही यही काम किसी अंबर
एक मिनट थोड़ा सा ना आपने इमोशंस को ना काबू में रखिए प्रियंका जी। पहले तो आप माफी मांगिए कि आपको शाहरुख खान से इतनी ज्यादा संवेदनाएं लगी हैं कि शाहरुख खान का बेटा जो एक आरोपी है ड्रग्स करता हुआ मैरिजुआना और इतनी सारी चीजों के साथ पकड़ा गया है, उसके आधार पर आप मेरे माँ बाप तक पहुँच गए। आपको शर्म आनी चाहिए। मैं एक अपराधी की बात कर रही, आरोपी की बात कर रही, और आप एक आरोपी और अपराधी के पक्ष में खड़ी होती है। और कल को ही रुक जाइए प्लीज, प्रियंका मैं आपके पास आऊंगा, मानिए आप रुक जाइए। सिर्फ नंबर की आवाज, अभी सिर्फ नंबर की आवाज, सिंगल फ्रेम मिलेगी। इस देश में अपराध बढ़ रहे हैं, इस देश की सरकार बिल्कुल सक्षम नहीं है महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए। अगर ऐसे लोग ऐसी पार्टीज में जाकर किसी महिला के साथ गलत काम कर देते हैं तो कल को यही ताली पीटती नजर आएगी कि सरकार तो बिल्कुल सक्षम नहीं है महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए। और यही अपराधियों के पक्ष में नजर आते हैं, लेकिन जब अपराधियों को या जो आरोपी उनको पकड़ा जाता है ना तो ये सीना पीट पीट के मातम करते हैं, क्योंकि इनको ऐसे अपराधियों के पक्ष में उतरना होता है। पहले तो आप इस बता दीजिए कि आप किसके पक्ष में, आप अपराधियों आरोपियों के पक्ष में या आप इस देश में महिलाओं को या अपराध जो हो रहे हैं उसके उसके उसको रोकने के पक्ष में? आपका समझ में नहीं आ रही कि आप करना क्या चाहते हैं। बिकॉज वो शाहरुख खान का बेटा है तो इसलिए आप उसके बचाव पक्ष में उतरना, थोड़ी समझ ले लीजिए। और जो अब तक हम बहस कर रहे हैं, एनसीबी ने जो कोर्ट में आपने ट्रायल के दौरान सबूत पेश किए उसके आधार पे हो रहे हैं। यहां पर कोई शाहरुख खान का बेटा हो या किसी भी खान का या पठान का बेटा हो, अगर वो ऐसी जगह पे पाया जाता है, आपको शर्म नहीं आ रही है? एक मां बाप का बच्चा, आप शाहरुख खान का बेटा, सेलिब्रिटी छोड़ दीजिए, किसी आम आदमी का बच्चा, बाबा की लेगेसी फॉरवर्ड कर रहे हैं, बाबा की जिंदगी को, बच्चों की परवरिश जिम्मेदारी किस पे होती है बताइए? आप बोले कि मेरा बच्चा पाया जाएगा तो अफसोस होगा, क्यों नहीं होगा? आपका बच्चा डिबेट में बुलाने की जरूरत नहीं है, तो जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। हमारे दोस्त, हमारे बच्चे, हमारी शख्सियत का आईना होते हैं कि पाया जाता है, लेकिन अभी तक साबित नहीं हुआ है मैडम। जब तक साबित ना हो तो अपनी जुबान पर काबू रखिए। तो बिल्कुल, जब आप शाहरुख खान का बच्चा, तब गलत आप अपनी जुबान पर काबू रखिए और स्टेटमेंट है सोच समझ के दीजिए, क्योंकि ऐसी स्टेटमेंट किसी की जिंदगी में बात कर सकती है? आपको शाहरुख खान बड़ा अच्छा लगता है? आपको तो मुझे लगता है आपको आरोप के साथ मूवी बैठ करके सिर्फ आपको बनना है क्या? आपको इतना डर लग रहा है कि आप उसे शाहरुख खान के बेटे को गलत ही नहीं बोल रहे, क्योंकि वो गलत काम सबूत के साथ पकड़ा गया है। हमारे देश की जांच एजेंसी, लेकिन मुझे एक बात बताइए मिश्राणा, मुझे एक बात बताइए प्रियंका, अगर आर्यन ने गलत किया है तो आप गलत क्यों नहीं बोलते? उसने गलत किया है, गलत किया इसीलिए पकड़ा गया ना, गलत किया गया इसीलिए एनसीबी की रिमांड पे है ना। क्या हो तो आप बोलिए, पहले उसको साबित करिए। जब तक आरोप साबित ना हो तब तक आप उसको कैसे आरोपी तो कहेंगी ना आप उसे कि नहीं कहेंगी? गिरफ्तार है वो उस अपराध में, वो उस अपराध में गिरफ्तार है, प्राइमा फेसी अपराधी है, इसीलिए गिरफ्तार है प्रतीक्षा। आप तो आरोप को सब कुछ प्रियंका, आपने तो वर्डिक्ट निकाल दिया कि नहीं जी उसने, किसने तो वर्डिक्ट निकाला? वहां पर सब कुछ कर रहा था। अरे क्रूज के अंदर वो एज ए सेलिब्रिटी गेस्ट गया था, सेलिब्रिटी गेस्ट जाना पाप था क्या? एक बार साबित तो हो जाने दीजिए, तब तक कम से कम तब तक परवरिश पर आप कोई लांछन ना लगाइए। कम से कम उनके बाबा को सब एक साथ बोलने लग गए, परवरिश पर लांछन लगना चाहिए या नहीं, मैं इसी बात पर बहस आगे ले जाऊंगा। अभी लक्षित भटनागर, मेरे एक दर्शक मुंबई से जुड़ गए, अभी रक्षित बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं कि परवरिश शायद गलत हुई, आर्यन को सही संस्कार नहीं मिले, आप एग्री करेंगे इससे? सर मैं बिल्कुल एग्री करूंगा इस बात से, मैं तो खुद एक मॉडल रह चुका हूं, एक्टर की लाइफ देखी है मैंने, मॉडलिंग में काफी सारी बॉलीवुड पार्टीज भी अटेंड की है, ये तो खुलेआम होता है। आप मानते हैं खुलेआम होता है वहां पर ड्रग्स? बिल्कुल, ड्रग्स पे अगर प्रतिबंध लगाया जा रहा है और एनसीबी इसमें अच्छा कार्य कर रही है, और इस तरह से अगर बच्चे बिगड़ रहे हैं वो भी सेलिब्रिटीज के, तो समाज में गलत इम्पैक्ट जा रहा है। सेलिब्रिटीज के बच्चे अगर इसमें आगे आएंगे तो सेलिब्रिटीज को तो बच्चे भी फॉलो करते हैं हमारे देश के, उनके बच्चों से हमारे बाकी बच्चों को क्या सीख मिलेगी देश के? तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं शाहरुख और गौरी से परवरिश में आर्यन की गलती हुई है? बिल्कुल सर, ये मुझे जहां तक लगता है, ये जो ज्यादा पैसा एक स्टारडम जहां आ जाता है वहां पे परवरिश में ढील आ ही जाती है, बच्चे अपने आप को खुद एक स्टार समझने लगते हैं टीवी पे आने से पहले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभी लक्षित, अच्छी बात कही, और आपने कहा कि ड्रग्स एक हकीकत है बॉलीवुड के अंदर, ड्रग्स एक हकीकत है। अभी लक्षित भटनागर जो खुद एक मॉडल रह चुके हैं, जिन्होंने ये सब पार्टीज देखी हैं, वो ये कह रहे हैं, इस पर क्या कहना है मेरे तमाम गेस्ट का, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।
तो हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स केस की। क्या बॉलीवुड में ड्रग्स एक हकीकत बन चुका है और क्या सेलिब्रिटीज के बच्चे या बड़ों घरों के बच्चे इसके ज्यादा शिकार होते हैं? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ एक्टर नूपुर मेहता जुड़ी हुई हैं, मेरे साथ अंबर जैदी हैं जो कि एक फिल्म मेकर हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, मेरे साथ मानवी तनेजा जो हैं जो कि एक एक्टर हैं, अब मेरे साथ प्रियंका राणा हैं एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, मेरे पास साथ पारुल खेला सोशल एक्टिविस्ट हैं और प्रियदर्शनी सिंह मेरे साथ एक एक्टर हैं। जो ये तीनों आखिरी जो नाम लिए मैंने, मानवी का, प्रियंका का और पारुल का और साथ ही साथ प्रियदर्शनी का, ये तमाम लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त आर्यन खान को। लेकिन इस बहस की हम फिर से शुरुआत करें, उससे पहले सुमन देवतिया जयपुर से मेरी एक दर्शक जुड़ गई हैं। सुमन, क्या कहेंगी इस केस के बारे में? देखिए, जो शाहरुख खान के बेटे सहित सभी लोगों पे जो ड्रग्स का आरोप लग के उनके जांच चल रही है, तो उसमें जो सबूत के आधार पे उनको हिरासत में लिया है, ये इस तरीके की ये न्यायिक प्रक्रिया है। और जहाँ पे हम हमारे भारत के देश के कानूनों की बात करें, तो यहाँ पे जो प्रतिबंधित जो नशे के रूप में ड्रग्स जैसे यहाँ पे लिए जा रहे हैं वो प्रतिबंधित है और उसको पब्लिक प्लेस में किसी को भी इस तरीके का यूज के रूप में आप नहीं कर सकते हो, ना ही आप खुद ले सकते हो, ना ही उसके सेल कर सकते हो, ना ही किसी को दे सकते हो। इस तरीके के ये मामले, खास करके जो हम बात करें हमारे इंडिया के बॉलीवुड के, तो उनके भी बार बार इस तरीके के नाम आते रहते हैं और वो सुर्खियों में रहते हैं। और खास करके ये हमारे लिए दुख की बात है कि वो बच्चे हैं वो भी इस तरीके की उसमें जा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस तरीके के जो मामले निकल के आ रहे हैं, जो कानून का उल्लंघन करने के रूप में जो दिखाई दे रहे हैं, जो एक गलत मैसेज हमारी सोसाइटी में जा रहा है, उन लोगों के खिलाफ कानून के अंतर्गत रहते हुए, ठीक है, कानून के अंतर्गत ही कार्रवाई हो रही है। नूपुर के पास चलूंगा। नूपुर, मैं पहले आपसे राय जानना चाहूंगा कि क्या, जैसे अंबर ने कहा कि अगर मेरे बच्चे बिगड़ते हैं तो मैं भी कहीं ना कहीं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, क्या आर्यन खान के लिए बात कहेंगी कि शाहरुख और गौरी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? जी हाँ दीपक जी, मैं मानती हूँ कि परवरिश बहुत मायने रखती है, पर मैं माँ बाप को डायरेक्टली ब्लेम नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि उनकी भी लाइफ बहुत बिजी है, तो वो भी कितना ध्यान और कब तक एक नजर रख सकते हैं। पर परवरिश के दौरान बच्चे को ये सिखाया जाता है कि गैरकानूनी काम नहीं करने चाहिए, आपने अच्छी संगत रखनी है और फिर इस चीज को बच्चे को फॉलो करना चाहिए अपनी पूरी जिंदगी। और अब वो क्रूज पे गए हैं पार्टी करने, यहाँ पे पैनल पे किसी ने बोला कि पार्टी में जाना पाप तो नहीं है? जी हाँ, मैं बोलना चाहूंगी बिल्कुल, एक रेव पार्टी, ड्रग्स की पार्टी में जाना पाप है हमारे भारत में, क्योंकि ड्रग्स गैर कानूनी है हमारे भारत में। यदि आप ड्रग्स करना चाहते हैं तो एम्स्टर्डम जाके रहिए और ऐसे देशों में जाके रहिए जहां पे कानूनी जुर्म नहीं है। तो अगर वो एक रेव पार्टी से पकड़े गए हैं तो उनको ना हम बच्चा घोषित कर सकते हैं, ना इनोसेंट घोषित कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक जुर्म है, कहीं ना कहीं पूरी परिवार का भी एक योगदान होता है, जैसे कि मैंने कहा परवरिश में। तो बिल्कुल उनको डायरेक्टली तो ब्लेम नहीं किया जा सकता है, पर अब पूरा ही परिवार भी इस शोक में होगा, इस दुख में होगा कि उसके साथ आने वाले कल में क्या होगा। 7 तारीख के बाद कहां तक ये केस पहुंचता है, कहां तक बात पहुंचती है। तो मुझे लगता है कि अगर वो उनको थोड़ा ध्यान रखा जाता उनके परवरिश पे, चरित्र पे, उनकी संगति पे, जैसे हम बच्चों को बाहर भेज देते हैं, यूएस में उनकी शिक्षा हुई है, उन्होंने फिल्म मेकिंग सीखी थी, वो निर्देशक में दिलचस्पी रखते थे, तो वहां पे उनकी संगति किस तरह से रहती है? तो आई एम श्योर कि शाहरुख खान जाके उनकी वहां पे संगति नहीं देखते थे। और जैसे कि आपने शुरुआत में भी बोला कि शाहरुख खान जी ने सिमी ग्रेवाल के एक वीडियो में भी बोला था कि मैं तो चाहूंगा कि वो ड्रग्स करे, लड़कियों के पीछे भागे और सब कुछ करे, सब कुछ एंजॉय करे, हो सकता है उन्होंने एक व्यंग करने के लिए बोला हो, एक हास्य का मैसेज देने के लिए बोला हो, बट एक
टीवी पे आके न्यूज चैनल पे आके मुझे नहीं लगता कि इस तरह की टिप्पणी देनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग सीधे सीधे मैं यहाँ से प्रियंका के पास जाऊंगा। प्रियंका आपने कहा आपके बच्चे, मैं व्यक्तिगत कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे बच्चे हैं और मेरे बच्चे अगर किसी गलत संगत में पढ़ते हैं और ड्रग्स लेते हैं तो मैं उसके लिए खुद को भी जिम्मेदार मानूंगा। अगर ऐसे में अंबर कह रही है कि शाहरुख और गौरी की भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है, माँ बाप के तौर पर पेरेंट के तौर पर जिम्मेदारी बनती है, तो गलत क्या है? बिल्कुल बनती है दीपक जी। उन्होंने थोड़ी नहीं बोला, उन्होंने पूरा सीधा सीधा आरोप लगा दिया अगर आप उनका स्टेटमेंट सुने तो। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि माँ बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं, और ऑब्वियसली जब बच्चे होते हैं तो पूरी माँ बाप की जिम्मेदारी होती है उनको संस्कार देना, लेकिन अभी तक जब आरोप साबित नहीं हुए हैं उसके पहले ही आपने जजमेंट दे दिया और इतने बड़े एलिगेशन और इतना बड़ा भाषण दे दिया, तो उससे पहले आपको सोचना चाहिए, क्योंकि इस समय उनकी मनोदशा भी अच्छी नहीं होगी। एक आम नागरिक वही क्योंकि आरोप साबित नहीं है, हम आरोपों की तो बात कर रहे हैं, वैसे जैसे हमारे हैं जितने भी एलिगेशन है सबको आपको ये चीज नहीं पता कि अपराधी और आरोपी में क्या फर्क होता है। आर्यन खान आरोपी है, रेप पार्टी से पकड़ा गया है, उसका ट्रायल चल रहा है, एनसीबी के पास इनफ सबूत है, इससे ज्यादा मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अगर आपको जाके घर पे कुछ पढ़ना है तो गूगल करके जानकारी हासिल कीजिएगा कि हमारे देश में न्याय प्रक्रिया के तहत किस तरह कार्यवाही होती है। आप दोनों रुक गए। प्रियंका, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हम उन्हें अपराधी नहीं घोषित कर रहे हैं, अभी वो कानून के नजर में आरोपी है और हम उनको आरोपी कह रहे हैं। माननीय आरोपी को आरोपी कहना गलत तो नहीं है ना? प्रियंका रुक जाइए, अंबर आप भी रुक जाइए, मानवी के पास चलते हैं। मानवी, आरोपी को आरोपी कहना गलत थोड़ी ना है। अभी अभी सिद्ध नहीं हुआ तो मैं उसे आरोपी नहीं कहूंगी, अभी भी एनसीबी की स्टेटमेंट। अरे एक्यूज्ड है भाई, वो तभी तो जेल में है, आरोपी क्यों नहीं कहेंगे आप? पैनल को कानूनी भाषा में उनको आरोपी कहा जाएगा। पैनल में बैठा रहे जो ये कह रही है कि परवरिश, मेरे को लिटरली शर्म आ रही है, तो इनके माँ बाप क्या ये परवरिश देते हैं कि लड़का जब बड़ा हो तो हिंदू लड़की को फंसाए, शादी करे? इनके माँ बाप ये परवरिश देते हैं जो लोग मर्डर होते हैं उनके माँ बाप जो मुझे परवरिश देते हैं पैसा में उनको डिबेट में बताते हैं जो चोरी आरोपी नहीं बताओगे आप आरोपी कैसे बोले? अरे आरोपी तो आरोपी ना बोले, मैं अपराधी थोड़ी ना बोले। अरे मानिए वो आरोपी को आरोपी कहेंगे ना, वो आरोपी है तभी तो गिरफ्तार है। शर्म आ जाएगी तुम्हें ऐसी बात करते हुए, कितनी बार नहीं पता लगता माँ बाप को? हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देता है, हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देता है, लोगों को बताया गया डिबेट में गलत चल रहा है, बढ़ जा सब माँ बाप में जिनको पता ही नहीं है कि आरोपी और अपराधी में डिफरेंस क्या होता है। आरोपी बोल रहे आरोपी को आरोपी ना बोले तो फिर अपराधी थोड़ी ना बोले? जो फिर मम्मी पे लगे तुम जैसे लोग टेररिस्ट नहीं मिला आपको, तुम जैसे लोग रेप करते हैं, आप कांग्रेस में नहीं है, पार्टी में नहीं है, क्या आपको आरोपी और अपराधी का डिफरेंस नहीं पता? यहाँ पर बैठकर सब कोई आरोपी बोल रहे, एक रेप पार्टी से पकड़ा जाने वाला आरोपी है जो एमडीएम में मैरिजुआना के साथ पकड़ा गया है और उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया उनकी 4 साल की जो वॉचर की हिस्ट्री है, सब कुछ साफ हो जाता है, एनसीबी के पास सबूत है आप लोगों के साथ। मानवी आरोपी को आरोपी कहना क्या गलत है मुझे बताइए ना? आरोपी को आरोपी कहना मानवी क्या गलत है बताइए ना? आपको जरूरत है ट्यूशन लेने की, आपको जरूरत है ट्यूशन क्लासेस लेने की। अभी आरोपी सिद्ध नहीं हुआ जब तक कॉन्स्टिट्यूशन। अरे अपराधी सिद्ध नहीं हुआ आरोपी तो है मानवी, अपराधी सिद्ध नहीं हुआ आरोपी तो है मानवी। बिल्कुल भी नहीं है, एनसीबी की ऑफिशियल स्टेटमेंट तो दीपिका के लिए क्यों था? दीपिका के लिए 1 साल पहले आरोपी पर आरोप सिद्ध होने तक इंतजार तो किया जाता है, पूरे खानदान का राज पहुंच जाए।
जाएंगे। अरे प्रियंका, आपको आरोपी और अपराधी का अंतर समझना पड़ेगा। ठीक है, एक मिनट प्राची से सुन लेते हैं। प्राची बता दीजिए आरोपी और अपराधी का अंतर क्या होता है? आरोपी वो होता है जिस पर आरोप लगे, और अपराधी वो होता है जिसको कोर्ट प्रूव कर दे कि हाँ इसने अपराध किया है। प्राची, अगर बच्चा गलत संगत में पड़ गया है तो उसको रिहैब में डाल सकते हैं। पूरा बॉलीवुड में ऐसे कुछ लोग थे जो लोगों को आपको कोर्ट में लिख के देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा परिस्थितियां कैसी है रिहैब में। दीपक जी, मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि इसको पकड़ने से अच्छा, पारुल आप तो जानती है ना अपराधी और आरोपी में क्या अंतर है, बताइए पारुल। बड़ी मछली को, क्योंकि जब तक बड़े लोग नहीं इन्वॉल्व है, पॉलिटिशियन हाई प्रोफाइल लोग इन्वॉल्व नहीं है महाराष्ट्र। अच्छा पारुल की आवाज, मानवी रुक जाइए प्लीज, पारुल की आवाज प्लीज, क्योंकि डेथ सेंटेंस है वहाँ पे। देखिए आरोपी और अपराधी एक पर्यायवाची है। पर्यायवाची अगर आप पर्यायवाची नहीं है प्लीज, अंग्रेजी में पर्यायवाची नहीं है आरोपी और अपराधी, वही अर्थ है। अपराधी जिसने अपराध किया है, आरोपी जिसपे अपराध का आरोप लगाया जा रहा है। तो ये जब एनसीबी कोई रिश्तेदार तो है नहीं, एनसीबी जब कोई कुछ करा है उसने या कुछ उसके मिला है तो ही तो जाके वो उसको उठा के ले गए। ऐसे आप और मुझे तो उठा के नहीं ले जा रहे हैं, हमें तो उठा के नहीं ले जा रहे हैं। वो इसलिए उठा के ले जा रहे होते हैं क्योंकि उसने अपराध किया है, और अपराध चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे सिद्ध अगर करना है तो उसका कुछ तो प्रूफ मिला है तो ही तो जाके इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ऐसी तो कस्टडी नहीं ली जाती, ऐसी तो जज वहाँ बैठ के पागल थोड़ी ना है। जज जो इतना बड़ा फैसला सुना रहे कि इसको रिमांड पे भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा, मतलब इतनी ज्यादा इतना बड़ा डायरेक्टर आके कह रहा है कि लेंस में उसके प्रूफ मिला है। ठीक है, आखिरी सवाल पारुल से जानना चाहूंगा। पारुल 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 पारुल, आरोपी वो है तभी तो वो जेल में है, आरोपी वो है तभी तो वो रिमांड पर है, अपराधी वो तब होंगे जब कोर्ट उनको सजा दे देगा। आपको आरोपी और अपराधी में अंतर तो बताए ना पारुल। पारुल की आवाज प्लीज। दीपक जी हमारा कानून कहता है accused is presumed to be innocent until proven guilty, जब तक उनपे आरोप सिद्ध नहीं हो जाते तब तक वो innocent रहते हैं। जहां तक रही पेरेंटिंग की बात तो मैं बिल्कुल अंबर जैदी से सहमत नहीं हूँ कि पेरेंट्स का पूरा हाँ अपब्रिंगिंग में जरूर बच्चे की एक बहुत बड़ा योगदान होता है माँ बाप का, बट आप देखिए पीयर प्रेशर कितना बढ़ गया है। आप आजकल अपने दोस्त यार को इतना फैशन और हर चीज अपनाते हैं, तो मुझे लगता है कि सिर्फ पेरेंट्स तक नहीं, आपका जो इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन सिस्टम है, उसको भी दुरुस्त करना पड़ेगा। बच्चों को बताना पड़ेगा कि ड्रग अब्यूज क्या है, काउंसलिंग की जरूरत है, एजुकेट करने की जरूरत है। सिर्फ माँ बाप पे ही आरोप लगा देना, चलिए ठीक है मैं यही रुकूंगा, लेकिन दोस्तों आपको ये बात माननी पड़ेगी, आपको ये बात माननी पड़ेगी कि बच्चों की पहली पाठशाला उनकी घर होती है, उनकी माँ बाप होती है। इसीलिए जो नैतिकता का पाठ सीखते हैं, जो आप सही रास्ते पर चलने का पाठ सीखते हैं, वो सबसे पहले आपको माँ बाप सिखाते हैं। और खासतौर पर माँ तभी कहा जाता है जो भाषा आप कहते हैं वो पितृभाषा नहीं है, मातृभाषा है। खैर, हमने क्या सवाल पूछा था और क्या उसका जवाब मिला है? क्या बॉलीवुड में ड्रग्स का चलन एक हकीकत है? यस कहना है 95% लोगों का, और नो कहना है सिर्फ 5% लोगों का। फिलहाल एक ब्रेक, न्यूज़ नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।